हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन फेस्टिवल बहुत ही पास करीब आ गया है, तो क्यों ना इस फेस्टिवल पर आप कुछ आसान सा बनाएं, वो भी सिर्फ दूध से बनी हुई इस मिठाई को आप ट्राई करें। ये झटपट से बन जाती है और बहुत ही आसानी से कम समय में बनने वाली इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी अपने घर में जो है उसका यूज़ करें। और इसमें हमने 1 लीटर फुल मिल्क दूध ले लिया है और इसे हमें चलाते हुए अब गाढ़ा करना है। तो कुछ टाइम में देखेंगे कि हमारा दूध अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से चला चला के इसके साइड्स निकाल निकाल के इसी में ऐड करते जाएं और इसे गाढ़ा करते जाएं। तो इस तरीके से हमने इसे साइड इसके निकालते गए और इसे इसी में ऐड करते जाएं। और ये जो रबड़ी बनी हुई है इसे हमें और गाढ़ा करना है। ये देखिए, हमारा दूध अब लगभग आधा हो चुका है। इसे हमें लगभग मावा बनाना है, तो इसे और गाढ़ा करते जाना है। तो इस तरीके से अब देखिए, हमारा दूध जो है बहुत गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हमें इस तरह से लगातार चलाना है और सावधानी पूर्वक चलाएं। इसके छींटे जो हैं वो हाथों पर आते हैं, तो इसे कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलाते जाएं। फ्लेम को हाई, मीडियम टू हाई पर ही रखें और इसे कंटिन्यूसली इसी तरह स्टेयर करें। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि लगातार चलाने के बाद हमारा जो मावा है वह बिल्कुल बनकर अब तैयार हो चुका है। इस तरीके से बस ये हमारा मावा बिल्कुल मिठाई बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो आप अपने स्वाद अनुसार शुगर ऐड करें। हमने इसमें 4 चम्मच बड़े शुगर ऐड कर दिया है। बस अब इसे भी इसमें मिक्स कर लें। तो हम देखेंगे कि इसे चलाते चलाते ये थोड़ा और लिक्विडी हो जाता है। तो बस इसी तरीके से चला चला के इसे फिर से हमें एकदम सूखा मावा बना लेना है, जिससे कि हमारी मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनेगी। तो इसे कंटिन्यूसली इसी तरह स्टर करते रहें। ये देखिए, हमारी जो शुगर है उसने पानी रिलीज़ कर दिया है, तो फिर ये बहुत लिक्विडी हो गया। इसे कंटिन्यूसली चला कर हमें सुखा लेना है। ये लीजिए, हमारा जो मावा है वो सूख गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे एक साइड नीचे उतार लेंगे और इसे चला चला के यूँ हमें हल्का सा गर्म ही रखना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम इसके पेड़े बनाएंगे इस तरीके से। दबा दबा कर गोल हम इसके पेड़े बना लेंगे। लीजिए, हमने इस तरीके से गोल गोल अपने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। सारे पेड़े तैयार हो जाने के बाद इसके को हम पिस्ता से गार्निश करेंगे इस तरीके से, जिससे कि देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़ा बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप घर में बनाए बहुत आसानी से बन जाते हैं और इसे एंजॉय करें। रक्षाबंधन पे इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसानी से झटपट बनने वाले सिर्फ दूध से बनी हुई मिठाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।